नामिका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा उनकी बात पर। जी बिल्कुल। हम देखिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे पास गोवा के भी रुझान है और गोवा के भी रुझान हम लेना चाहेंगे इस वक्त। हमारे पास गोवा की जो पूरी यहाँ कहानी हमारे पास दर्ज, किसको कितनी सीट मिलने वाली है गोवा में, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम टाइम्स नाउ नवभारत वीटो के ये पोल देखें तो गोवा में इस वक्त जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, टक्कर है फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस विलुप्त सी होती चली जा रही है राज्यों में और गोवा की भी वही कहानी है। कुछ देर तक इट वॉज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, अब बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। बीजेपी 18 से 22 सीटों का इनका अनुमान लगाया जा रहा है, कांग्रेस 4 से 6 सीट, आम आदमी पार्टी 7 से 11 सीट। ये अनुमान है गोवा में होने वाले चुनाव, अगर आज के दिन हुए तो गोवा में इस तरह के चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी 7 से 11 सीट, शायद आम आदमी पार्टी के लिए ये एक अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर हम देखें इसमें वोट शेयर, तो वोट शेयर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। वोट शेयर से पहले हमने सवाल पूछे थे गोवा के लोगों से, गोवा में केजरीवाल क्या बनेंगे, किंग। 26% लोगों का कहना है किंग मेकर। 42% लोग समझते हैं गोवा में किंग मेकर बनेंगे केजरीवाल, कुछ नहीं होगा केजरीवाल का, ये 32% लोग समझते हैं। लेकिन 42% लोग समझते हैं कि गोवा में किंग मेकर बनेंगे केजरीवाल, क्योंकि गोवा में आया राम गया राम का बहुत कल्चर है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, गोवा में टीएमसी असर दिखा पाएगी, हाँ 5% लोग कहते हैं नहीं। 79% लोग कहते हैं कि नहीं, तृणमूल का अभी कोई भी अस्तित्व नहीं है, कह नहीं सकते। 16% लोग कहते हैं, लेकिन 80% लोग कहते हैं कि टीएमसी का शायद इस वक्त इतनी जल्दी में कुछ होना मुश्किल है। और गोवा में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है, प्रमोद सावंत बीजेपी, इनके 26% लोग इनके पक्ष में हैं। दिगंबर कामत कांग्रेस पार्टी के हैं, 8.25% लोग इनको अपना उम्मीदवार सही समझते हैं। मनोज परब रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी है, 8% लोग समझते हैं कि इनको सपोर्ट मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं उनको 17.29% ये सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे पॉपुलर प्रमोद सावंत बीजेपी के, और क्लोज सेकंड उनके साथ हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, 17.29%। मैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से पहले आशुतोष जी के पास जाना चाहूंगी। और आशुतोष जी, गोवा के ये जो चुनावी प्रोजेक्शंस है इनको देखकर आपको क्या लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस का अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनती जा रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, या फिर गोवा की कहानी हो? कही थी वही बात, आम आदमी पार्टी की दिक्कत और वही कमजोरी गोवा में भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके एक आकर्षण पहले भी था और आज भी आकर्षण है। अगर आपको याद होगा 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वहां 6% वोट मिले थे, जो कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा वोट उनको गोवा में मिला था किसी दूसरे स्टेट। बाकी राज्यों में चुनाव लड़ा था, कहीं 0.5% वोट मिला था, कहीं 0.7% वोट मिला था, लेकिन वहां पर भी उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट मांगना, अंत में वोटर ये चाहेगा कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन, पहली बात। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी पिछले चार साल से, अगर आप देखें 2017 के विधानसभा के बाद से, वहां लगातार वो एब्सेंट रही। उसने संगठन के स्तर पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जो संगठन का काम शुरू किया पिछले 5-6 महीनों के अंदर उन्होंने संगठन का काम शुरू किया। तो कभी कभी ये होता है कि आप पार्टी को लेके सेंटिमेंट होता है, पार्टी को लेके गुडविल होती है, लेकिन उस गुडविल को वोटों में कन्वर्ट कर पाना
लास्ट मिनट तक लोगों को एक कन्विंस करा पाना कि हाँ हम सत्ता में आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, ये अगर कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, गोवा हो या उत्तराखंड, कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट करना हमारे ख्याल से ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और उनको तकलीफ भी दे सकता है। गोवा में कांग्रेस पार्टी लास्ट मिनट पर, पर, पर पिछली बार भी खड़ी हुई थी, पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर अचानक मनोहर पारिकर के रहते हुए 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और सिर्फ 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इसलिए गोवा में और उत्तराखंड दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। संजीव झा, आम आदमी पार्टी से, और मैं इस वक्त वेलकम करूंगी, स्वागत करूंगी गिरिराज वेर्नेकर, गोवा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन संजीव झा, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा ना होने के कारण आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी दिक्कत आ रही है, दिक्कत गोवा में भी वही है? देखिए, जो आशुतोष भाई कह रहे थे, मेरा उसका उलट मानना है। जब 2017 में हम चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि हमें 6% वोट मिला था, और आज ही आप कह रहे हैं कि अभी 26.8 लगभग 27% वोट आपके सर्वे के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है। लगातार 5 साल गोवा में गोवा के मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठाई है, चाहे वो माइनिंग का मुद्दा हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, मजबूती से सड़कों पर आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया है और उसी का परिणाम है। और जो नजदीक आता जाएगा, ये अपने आप इसलिए जाएगा, देखिए कांग्रेस अपनी, कांग्रेस बाहर नहीं, कांग्रेस खुद से लड़ रही है, तो कांग्रेस अपनी अस्तित्व से भी लड़ रही है, इसीलिए लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। और लोग ये मानते हैं कि पिछले आप बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं कि अगर कांग्रेस को वोट करें तो इनडायरेक्टली वो बीजेपी में जाता है, चूंकि बाद में वो बिक जाते हैं, तो अब लोगों को भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पे। तो अभी जो भी कांग्रेस परसेंटेज ऑफ वोट आप दिख रहा है, वो धीरे 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 आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, और ये तब है जब हमने अपने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री प्रत्याशी की घोषणा नहीं की जाएगी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार कहा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, उत्तराखंड, हमने घोषणा कर दिया कि समय आने पर मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, फिर आपको ये अपने आप एक बड़ा जंप दिखेगा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और जो हम लोग एक अच्छा सुंदर बेहतर गोवा का वादा अरविंद केजरीवाल जी करके आए हैं, वो गोवा के लोगों को मिलेगा। वेर्नेकर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गोवा में ये जो कल्चर है कि आपका आपकी बहुमत आए ना आए, आप दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीद तो सकते ही हैं, और इसी तरह पिछली आपकी सरकार बनी थी, और लोगों को आशंका हमेशा रहती है कि गोवा में जिसको भी वोट दो, और जितनी ज्यादा पार्टियां आती चली जा रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब सोच रहे हैं कि हमारा भी एक आधा भी अगर एमएलए आ जाए तो हमारा भी एक बोलबाला होगा और हम भी चुनाव में एक कोई ना कोई खेल खेल सकेंगे। क्या ये गोवा की असेंबली के लिए, गोवा की राजनीति के लिए एक अच्छी अच्छी परंपरा है जिसको एक तरह से इस्तेमाल किया है बीजेपी ने? देखिए, मेरे ख्याल से जब भी हम गोवा की बात करते हैं और भाजपा की बात करते हैं तो बार बार 2017 के रिजल्ट के बारे में बताया जाता है जहां पे हमने सरकार बनाई। मेरा सवाल कांग्रेस से सीधा है, आपको सरकार बनाने से किसने रोका था? आज आम आदमी पार्टी इतने बड़े चुनावी वादे करती है, आज जब उनसे एक सीधा सवाल पूछा जाता है कि आप यहाँ पे गारंटी देते हैं, दिल्ली में आपके पास सरकार है, आप सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? दूसरा, जो आप अपनी दिल्ली में ये सारे वादे क्यों नहीं कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, तीसरी मैं एक बात कहूंगा, आज जैसे आपने कहा कि आपके सीएम कैंडिडेट को पसंद भी है बट आपके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है। आज जब हम डबल इंजन की बात करते हैं गोवा में, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर प्रमोद सावंत का नेतृत्व गोवा को आगे ले जाएगा। 2017 में भी मेरे ख्याल से सबके पास एक मौका था बट तभी भी सभी पार्टियों ने डबल इंजन की सरकार को प्रेफरेंस दिया था। और आम आदमी पार्टी आज किस बारे में बात कर रही है, 39 सीट जो उन्होंने कॉन्टेस्ट करे थे, 38 में डिपोजिट जब्त हो गए थे। कैंपेन तो उनका लास्ट टाइम भी बढ़िया था, उनके बैनर पोल्यूशन से हमें कोई आपत्ति नहीं है बट वो ट्रांसलेट नहीं होता है वोट में, मेरा इतना ही मानना है। इस वक्त हमने
जो देखा है वो चार राज्यों में क्या रुझान है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो की ये जो पेशकश थी जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनावी हमने प्रोजेक्शंस देखे हैं। ये ट्रैकर, ये हमारी गाड़ी है जो सर्वे हर हफ्ते लेकर आती रहेगी, किसका मीटर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे गिर रहा है, कौन सा मुद्दा लोगों में पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, कौन सा कैंडिडेट लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, ये सब इस वोट मीटर में दर्ज होगा। और ये वोट मीटर हर हफ्ते हमारे दर्शकों के लिए एक राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग यानी राजनीतिक समझ लेकर आएगा, निचोड़ लेकर आएगा कि किस राज्य में क्या हो रहा है, कौन पहुंच रहा है उस फिनिशिंग लाइन के करीब जहां सरकार बनने का दावा हो सकता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी रहेगी विजयी, कहां पर हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली का रुझान है, ये सारे आंकड़े हम आप तक लाते रहेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत अब एसडी पर है, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एचडी पर जब हम आए थे 5 महीने पहले, उससे 70% ज्यादा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और रीच है, यानी कि घर घर में अब आप टाइम्स नाउ नवभारत देख सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत देखेंगे तो आप आगे रहेंगे हर उस खबर पे जो आपसे सरोकार रखती है, हर उस मुद्दे से जो आप उठाना चाहते हैं, हर उस आवाज को जो आप पहुंचाना चाहते हैं सत्ता के गलियारों तक। हम राज्यों के चुनावों से लेकर आपकी समस्याओं तक हर चीज पर अपनी नजर रखेंगे और आपकी आवाज पहुंचाएंगे वहां तक जहां तक उसे जाना जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के इस वोट मीटर की पहली पेशकश के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने विशेषज्ञों और प्रवक्ता जो अनेक पार्टियों से हमारे साथ जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूं, और अपनी सारी टीम जो कैमरे के आगे है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग जो कैमरे के पीछे 24 घंटों लगे रहते हैं। वो कहा जाता है टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो 24/7 × 365, जी हाँ 24 घंटे सातों दिन 365 दिन हम लगे रहते हैं और आपके लिए खबरें लाते रहते हैं, खबरें जो ना आपने कहीं और देखी हो, खबरें जो आपको रगे सबसे आगे। सारी टीम से, टाइम्स नाउ नवभारत से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम एक लंबा सफ़र साथ साथ तय करें, क्योंकि हमें बदलना है भारत, बनाना है नव भारत। नमस्कार।